राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने समाज सुधारक जन सूचना अधिकार के पुरोधा दिव्यांगजनों के मार्गदर्शक रॉबी शर्मा का जन्मदिवस समारोह शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में केक काटकर मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि रॉबी शर्मा सच्चे समाज सुधारक हैं। इन्होंने हमेशा दिव्यांगजनों की तन मन धन से सेवा की है। रॉबी शर्मा दिव्यांगजनों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। रॉबी शर्मा ने समय समय पर हम सबको मार्गदर्शक किया है। हम सब उनके सहयोग के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। इस अवसर पर रॉबी शर्मा ने कहा कि जन सूचना अधिकार ऐसा हथियार है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, जनता के अधिकारों को दिलाया जा सकता है। घूस को घूसा अभियान सफल रहा है। जो विभाग जन सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देते, जन सूचना आयोग उन पर जुर्माना लगा देते हैं। रॉबी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग तेज की जाएगी। भ्रष्टाचारियों के लिए षड्यंत्र विनाशक मंदिर की स्थापना की गई है। आज रॉबी शर्मा का जन्मदिन मनाने वालों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, अल्पना कुमारी, राहुल कुमार, वैभव दीक्षित, गुट्टी दीक्षित, जौहर अली, गोमती, आशीष कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट। बड़ा भाई रॉबी शर्मा जी का जन्मदिन है और हम लोग मनाते हैं, चूँकि हम लोग यदा कदाई लोगों का, विशेष लोगों का ही जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन क्यों मनाया जा रहा उनका, उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि समाज के लिए उनका जो समर्पित योगदान है उसके लिए वो रात दिन हमें जब ज़रूरत पड़ती है दिव्यांगजनों की मदद के लिए वो खड़े होते हैं, समाज के किसी वर्ग को ज़रूरत पड़ती है वो खड़े होते हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे जन सूचना अधिकार की लड़ाई उन्होंने लड़ी, समाज में जागरूकता पैदा की, घूस को घूसा का नाम दिया, हमने वहाँ आंदोलन किया नाना राव पार्क में दिव्यांगों के अधिकारों के लिए, वहाँ पर उन्होंने रोज नई टेक्निक दी हमको लड़ने की। हम लोगों ने रॉबी शर्मा जी के मार्गदर्शन में बहुत आंदोलन किए, बहुत कुछ किया, और हमें खुशी है कि वो हमारे बीच में है और हम लोग का मार्गदर्शन बराबर कर रहे हैं, और हम लोग तो जीवन पर्यंत उनके ऋणी हैं। उनका कर्ज हम नहीं अदा कर सकते क्योंकि उन्होंने इतना कर दिया है। देखिए, धन देना ही समाज के लिए बहुत कुछ नहीं है, जो ज्ञान देना और जो और सहयोग देना दिलाना वो बड़ी बात है। रॉबी शर्मा ने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, दिव्यांग के लिए और लोगों के लिए, इसलिए हम लोग उनका जन्मदिन मना। जी आपका धन्यवाद। आज मेरा 72वां जन्मदिन है, और जैसे पुराने टाइम में होता था एक साल कम लिखी है उम्र, तो सरकारी रिकॉर्ड के साथ 71 है, और ये जन्मदिन हम मनाते नहीं, मगर ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी वाले, विकलांग एसोसिएशन वाले वीरेंद्र कुमार जी मना रहे हैं, अल्पना जी मना रही हैं, बाकी सब राहुल भाई मना रहे हैं, सब लोग मिल के मना रहे हैं, हम अपनी तरह से नहीं मनाते। और संदेश हमारा बस यही है कि न्यायपालिका हमारे देश की सुधर जाए और जनता को न्याय मिलने लगे तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा था कि राष्ट्र जो है युद्ध लड़ सकते हैं और बच सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र जो है अकाल से लड़ सकते हैं, भूख से लड़ सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, उससे उभर सकते हैं, मगर जिस राष्ट्र में न्यायपालिका न्याय न दे वो राष्ट्र सदैव जो है बिल्कुल समझ लीजिए उनका विनाश सुनिश्चित है, और मेरे देश का भी होगा ये भी सुनिश्चित मान लीजिए, भले कोई कुछ भी कहे, मगर ये न्यायपालिका जो हमारे यहाँ की, ये देश का विनाश सुनिश्चित करेगी या जितना हम बढ़ना चाहते हैं उसको आधे पे ले आएगी। आपने कानपुर में एक भ्रष्टतंत्र का एक मंदिर स्थापित किया है, जो बहुत एक कौतूहल का विषय भी है। जी क्या आशा वो इसी संदेश से दिया था। पहली बात तो ये था कि जब 100 में 90 मेहमान हैं हमारे यहाँ, तो ये IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, जज मजिस्ट्रेट, ये जो है इज्जत के काबिल नहीं है, इनका जो बहिष्कार होना चाहिए वो बहिष्कारी हमने करा वहाँ पे। इस मंदिर में ऐसे लोगों का आना वर्जित है, IAS, PCS, जज मजिस्ट्रेट और नेता जो है, खास तौर पे MP, MLA, और कहना यही है कि अगर ये हर 6 महीने में अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के द्वारा सिद्ध करें जनता के बीच में कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा इतने दिन में, तो ये वेलकम है और देश भी आगे बढ़ेगा।